आज हम बना रहे हैं इडली। हरे मटर से इडली बनाएंगे। ये हरा मटर से बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हम यहाँ उबला हुआ जो चावल आता है उसना चावल बोलते हैं, इस कटोरी से हम यहाँ तीन कटोरी चावल, आधा कटोरी यहाँ उड़द दाल लिए हैं। इस कटोरी से दो कटोरी ये मटर हो जाएगा और थोड़ा सा हम हरा धनिया भी डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है। इन सभी चीज़ों को देखिए, हम एक घंटे पहले चावल और उड़द दाल को भिगो के रख दिए थे और इसको अच्छे से दो तीन पानी धो करके अब हम इसको बारीक मिक्सी में पीसेंगे। हल्का डोसा के पैटर से इडली का पैटर दरदरा रहता है, दरदरा रहेगा हल्का तभी फ्लफी बनेगा। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हम पैटर को पीस लिए हैं, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, हल्का दरदरा रहने देना है। और इसमें हम थोड़ा सा एक चम्मच नमक मिला देंगे, अच्छे से इसको मिला करके और लगभग 12 से 15 घंटे के लिए इसको रख देंगे ताकि अच्छे से इसमें खमीर आ जाए। जब अच्छे से खमीर आता है तभी इडली नीचे चिपकता नहीं है और फ्लफी बनता है, अच्छा बनता है। तो इसको हम खमीर आने के लिए ढक करके रख देंगे। हो सके तो आप इसको गर्म जगह पर रखिए, जैसे इसमें टॉवेल लपेट के या धूप में रखिएगा तो इसमें जल्दी खमीर आएगा। तो अच्छे से खमीर आ जाए तभी आप इसका इडली बनाइए। तो देखिए, अच्छे से खमीर आ चुका है। हम इसको 12-13 घंटा रखे थे, अब खमीर अच्छे से आ गया। इसको अच्छे से फेंट लेंगे और इसके बाद अगर आपको पसंद हो इस पर तड़का मारना तो आप राइस से और कड़ी पत्ता से तड़का दे दीजिए। और इसके बाद हम ले लिए हैं यहाँ बर्तन और इसमें थोड़ा थोड़ा लगाएंगे तेल। तेल लगा के इसमें सभी बैटर को सेट कर देंगे। देखिए, ले लिए हैं बर्तन, इडली वाले बर्तन में 2 गिलास पानी और अच्छे से पैटर को सेट करते हुए गैस पे चढ़ा दिए हैं। इसको हम भाप में अच्छे से पका लेंगे। तो इसको हम 2-3 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। तो चलिए, 2-3 मिनट बाद हम इसको खोल के देखते हैं इडली कैसा बना हुआ है। तो देखिए, 3 मिनट बाद हम बर्तन से निकाल लिए हैं इसको और इसमें फॉग डाल के देखे हैं। ये बिल्कुल जो है अंदर से अच्छा से पक गया है और चक्कू देखिए बिल्कुल साफ़ निकला है। तो अभी ये पका हुआ है, इसको थोड़ी देर ठंडा होने के बाद हम बर्तन से निकाल लेंगे। तो देखिए, इडली बन के बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली इडली बनी हुई है। देखिए कितना बिल्कुल ये तोड़ रहे हैं, अंदर तक जालीदार और बहुत ही फ्लफी बना हुआ है। इस तरह से ज़रूर ट्राई करके और आप बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही अच्छा बनता है। देखिए, बिल्कुल आपको ये जाली जाली सा दिखेगा, ये मुंह में घुल जाने वाला बना हुआ है। इस तरह से बनाइए इसी टिप से। तो देखिए, बनके बिल्कुल रेडी है। इसको खाइए चटनी और सांभर के साथ।